देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मेकानिज़म डिफेंस मेकानिज़म की जब हम बात करें तो डिफेंस मेकानिज़म का मतलब ये है कि ये आपके माइंड के से रिलेटेड और पर्सनैलिटी से रिलेटेड मेकानिज़म की बात हो रही है कि हम कौन से हमारे ऐसे मेकानिज़म हैं जिसके तहत हमारी पर्सनलिटी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो डिवेलप भी होती है और हमारा बिहेवियर जो है उसके साथ जो है वो जुड़ा होता है और हम एक्शन ले रहे होते हैं माइंड से सिग्नल्स आते हैं और आपकी जो बॉडी uh, है वो एक्शन लेती है किसी भी काम को करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं उस एक्शन की बेस पे हमारा बिहेवियर डिटर्मन होता है पीपल कॉल यू सिविलाइज और नॉट सिविलाइज और वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये कौन से ऐसा मेकेनिज़म की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मेकेनिज़म सो वेन पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ and they have individual differences so everybody will take action differently if your boss is giving instructions to to do something or to take any action to complete the task then you know uh, there, if there are five or six people or even two people two persons then they will take action differently because they have different uh, you know uh, mindset they have different uh, 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 different uh, capacities and cap capabilities to do any uh, task so right now and they have also the different types of personality so uh, one person can be positive one other person can be negative and one person will say you that you should cheat your boss and you should complete this task by doing something uh, some smaller things and not the complete thing

परसीव करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ तरीके से एक्शन भी लेते हैं इट इज़ नॉर्मल इट इज़ क्वाइट नॉर्मल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी एंड द माइंड स्टेट और माइंड सेटअप दैट वट एवर यू आर थिंकिंग बट वी हैव सम जनरल गाइडलाइंस टू टेक एक्शन एंड टू कम्पलीट एनी टास्क दैट इफ़ वी आर वी नो द यू नो प्रोफेशनलिज्म का आपको कोड ऑफ एथिक्स का एक पूरा कायदा आपको दिया जाता है कि इसके मुताबिक आपने काम करना है अब यहाँ पे यहाँ लिखा है हम यहाँ बात जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो डिफेंस मैकेनिज्म हैं अब ये डिफेंस क्या है कि ये आप अपने आप को डिफेंड भी करना चाहते हैं आप एक काम को कंप्लीट भी करना चाहते हैं और आप एक चीटर या जो है कोई नेगेटिव पर्सन भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते तो कौन से ऐसे मेकैनिज़म हैं जो कि आपको गवर्न करते हैं कोई काम करने के लिए ये टाइप्स ऑफ मैके मेकनिज़म की जो पहले हिस्ट्री है वो ये है या इसकी जो एक पूरी केमिस्ट्री है वो ये है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट uh, किस्म के जो मेकैनिज़म हैं वो हमें अर्ज करते हैं या हमें वो मोटिवेट करते हैं किसी भी काम को कम्प्लीट करने के लिए तो बेसिकली उसके पीछे मैंने दो तीन चीज़ें भी एक्सप्लन कि उसके पीछे हमारी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है अब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो किस्म की पर्सनलिटी हो सकती है एक इंट्रोवर्ड भी हो सकती है एक एक्स्ट्रोवर्ड भी हो सकती है और एक नेगेटिव पर्सनैलिटी भी हो सकती है एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी हो सकती है अब उसके पीछे मुख्तु किस्म के फैक्टर्स हैं अब जैसे इंट्रोवर्ड और एक्स्ट्रोवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ़ अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और वो लोगों के साथ मिलना या सोशलाइज करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते और एक एक्स्ट्रोवर्ड है जो कि सोशलाइजेशन को बहुत पसंद करते हैं और वो कोई काम भी उनका जो है वो इंडिविजुअल कंप्लीट करने की बजाय वो उसको कलेक्टिवली कंप्लीट करना पसंद करते हैं तो अब ये दो पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं एक ही अगर ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो फिर हमारे सामने अगर एक टास्क है उसको कंप्लीट करने का तो आपके पर्सनल फैक्टर्स जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं अब देखें एक बंदा है वो डेड के साथ काम करना पसंद करता है वो हर काम अपना इन टाइम करता है उसकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बड़ी डेवलप हैं एक शख्स जो है वो लेज़ी है जब वो लेज़ी है तो वो हर काम को उसी तरह से जो है वो पोस्टपोन करेगा और उसको प्रोलॉन्ग सेशंस में ले जाएगा वो सिर्फ अपने ऑफिस का काम ऐसे नहीं करेगा वो अपनी पर्सनल जो उसकी टास्क होंगे वो भी उसको इसी तरह से कंप्लीट करता है ये उसके पर्सनल फैक्टर्स हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को गवर्न कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेकनिज़म है पर्सनैलिटी का ये हमारे पर्सनल फैक्टर्स से भी बनता है ये हमारे इनेट एबिलिटीज से भी बनता है ये हमारे सोसाइटल प्रेशर से भी बनता है और रिलीजस नॉर्म्स भी हमें रूल करती हैं कि आपकी जो आ, किस तरह से आपको आ, किसी शख्स के साथ जो है वो बिहेव करना चाहिए कोड ऑफ एथिक्स भी हैं तो मेकनिज़म जो है बेसिकली ये हमें आ, जो है वो एक एक्शन या बिहेवियर की जो उसकी आ, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए Uh, एक लाहे अमल जो हम बनाते हैं उसके बारे में हमें गाइड करते हैं कि हाउ टू रिएक्ट हाउ टू शो द बिहेवियर टूवर्ड्स एनी टास्क